हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल लाइफ। सो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में मैं आपको शेयर करूंगी कि घर में बहुत ही इजी तरीके से आप कैसे तंदूरी चिकन बना सकते हैं। सो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तंदूरी चिकन जो है बहुत ही ज़्यादा यमी लुक है इसका, और बहुत ही मिनिमम चीज़ों से आप घर में कभी भी इसको बना सकते हैं, इसका ऑसम सा टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन ले लिया है, और जो चिकन के पीसेस हैं ये सारे थाई पीसेस है। चिकन का जो थाई पीस होता है दोस्तों, वो बहुत ही इजीली कुक हो जाता है, और इसका जो मीट है बहुत ही ज़्यादा टेंडर होता है। तो तंदूरी में थाई पीस यूज़ करना जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो दूसरे पीसेस से भी ये सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, बट दोस्तों कोशिश कीजिएगा बेस्ट टेस्ट के लिए चिकन का जो थाई पीस है उसी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अभी मैं चिकन के जो पीसेस हैं इसमें छोटे छोटे कट्स बना लूँगी। तो ऑलरेडी मैंने कट्स बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसे कट्स बनाने से क्या होता है दोस्तों, जो मैं मसाले से इसको अभी मैरिनेट करूँगी, तो मैरिनेशन का जो मसाला है ये जो कट्स के अंदर चला जाता है, और चिकन को बहुत अच्छे से अंदर तक ये टेंडर भी होता है और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो तंदूरी में ये कट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, अभी चलिए इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेशन के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी 250 ग्राम दही, खट्टा दही मैं यहाँ पे 250 ग्राम ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून नमक। नमक का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टेबलस्पून हल्दी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च मतलब कि ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। लास्टली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। तो एक पूरे नींबू का रस जो है मैं इसमें स्क्वीज करके ऐड कर रही हूँ। नींबू और दही का जो मैरिनेशन है, इसके वजह से चिकन जो है बहुत ज़्यादा टेंडर भी होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। 1 किलो चिकन में कितना कितना क्वांटिटी मैंने इंग्रेडिएंट ऐड किया है मैरिनेशन के लिए वो मैंने बता दिया है दोस्तों। तो आप जितना क्वांटिटी का चिकन यूज़ कर रहे हैं उसके मेजरमेंट में बाकी चीज़ें ऐड कीजिएगा मैरिनेशन के लिए। सारी चीज़ों को अभी मैं बहुत अच्छे से एक साथ मिक्स करूँगी, सारे मसालों को मिक्स करूँगी चिकन के साथ। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे एटलीस्ट 5 से 7 मिनट्स तक, ताकि हर एक चिकन के पीस में मैरिनेशन का जो मसाला है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैरिनेशन का जो स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैरिनेशन अगर बहुत अच्छे से होता है तो ये चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो दोस्तों, मैरिनेशन का जो प्रोसेस है इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो तंदूरी चिकन बन के रेडी होगा वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। तो मैरिनेशन मैंने कर लिया है, अभी एक लीड की मदद से मैं इसको ढक दूँगी और कम से कम 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट में रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है दोस्तों, तो आप मैरिनेटेड चिकन को 1 घंटा रेस्ट में रख के भी उसके बाद बना सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, जहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 क्यूब बटर। बटर ऐड करते टाइम दोस्तों हीट एकदम ही लो में रखना है, ताकि बटर जो है वो जल ना जाए। लो हीट में ही हमें बटर को पिघलाना है और तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। बटर का जो फ्लेवर है इस रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट लाता है और फ्लेवर भी लाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बटर जो है अच्छे से पिघल गया है, तेल के साथ हमने मिक्स कर लिया है। अभी बारी है इसमें चिकन ऐड करने की। चिकन ऐड करते वक्त भी हमें हीट लो ही रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, चिकन मसाले के साथ प्रॉपरली 2 घंटे तक मैरिनेटेड है, और अभी मैं 1 by 1 चिकन के पीसेस जो हैं पैन में ऐड कर दूँगी। चिकन पीसेस ऐड करने के बाद मीडियम लो हीट में मैं इसको 1 मिनट तक कुक करूँगी। उसके बाद लो हीट करके एक लीड की मदद से मैं इसको 5 मिनट्स के लिए ढक दूँगी। तो दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट्स के बाद मैं ये लीड ओपन कर रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि चिकन जो है एक साइड से कुक हो चुका है। अभी हम एक करछी की मदद से चिकन को पलट देंगे दूसरे साइड से कुक होने के लिए। सो
सो गाइस आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो एक साइड से तो बहुत अच्छे से ये कुक हो चुका है, अभी दूसरे साइड से भी हमें इसको और 5 मिनट्स ढक के कुक करना है। तो लीड से मैं फिर से इसको ढक दूँगी 5 मिनट के लिए और हीट जो है हम लो पे ही रखेंगे। तो दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, इसको हमने प्रॉपरली मैरिनेट किया था दोस्तों, इस वजह से ओनली 10 मिनट्स के अंदर लो हीट में भी चिकन जो है पूरी तरह से पक गया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और इसका कलर देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि ये अच्छे से कुक भी हो चुका है। तो दोस्तों चिकन जो है दोनों साइड से प्रॉपरली कुक हो चुका है। अभी मैं करछी से चिकन के जो पीसेस है वो पैन से निकालूंगी। चिकन के जो बचे हुए पीसेस हैं दोस्तों उसको भी मैं अभी पैन में ऐड कर रही हूँ। एक्स्ट्रा ऑयल मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये रेसिपी हमें बहुत ही कम तेल में बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन के पीसेस ऐड कर दिया है, सेम प्रोसेस में मैं इसको भी बना लूँगी। सो गाइस हमारा स्मोकी हॉट तंदूरी चिकन बन के रेडी हो चुका है, बट एक चीज़ इसमें अभी तक मिसिंग है। तो जो चीज़ इसमें मिसिंग है, तंदूरी चिकन का स्मोकी फ्लेवर। बिना स्मोकी फ्लेवर के तंदूरी चिकन का जो टेस्ट है वो अधूरा होता है, तो इसमें स्मोकी फ्लेवर तो हमें ऐड करना ही है। तो तंदूरी चिकन में स्मोकी फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने एक चारकोल का टुकड़ा ले लिया है दोस्तों, उसको मैं डायरेक्टली ऐसे गैस ओवन पे रख दिया है और इसको हम लोग पूरी तरह से रेड होने तक गर्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चारकोल जो है बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको मैं एक छोटे से बोल में निकाल लिया है। चिकन के सारे पीसेस मैंने एक बड़े से बोल में शिफ्ट कर लिया है, चारकोल वाला छोटा बोल रख के उसमें मैंने 3-4 बूंदे घी के ऐड कर दी है। आप तेल या घी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितने अच्छे से स्मोक निकल रहा है। जिस लीड से हमें चिकन को ढकना है उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, मेरे वाले लीड में एक छोटा सा गैप था, इसको मैंने लौंग की मदद से बंद कर लिया ताकि स्मोक जो है वो पूरा ही कंटेनर के अंदर रहे और इसका जो फ्लेवर है चिकन के हर पार्ट में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमें इसको 7 to 8 मिनट्स तक ऐसे ही रखना है। मैंने अभी लीड हटा लिया है दोस्तों और हमारा तंदूरी चिकन बन के रेडी हो चुका है। इसका जो कलर है और टेक्सचर है आप देख सकते हैं एकदम ही रेस्टोरेंट जैसा है, और इसका जो बनाने का प्रोसीजर है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आप घर में कभी भी इसको बना सकते हैं और इसका ऑसम सा टेस्ट आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए एक प्लेट में हम इसको अभी सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पीसेस है वो कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये जो रेसिपी है आपको कैसी लगी। इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है एग्जैक्ट रेस्टोरेंट वाला तंदूरी चिकन जैसा ही आपको मिलेगा, और इसको ज़रूर ग्रीन चटनी के साथ ही खाइएगा। ग्रीन चटनी का जो रेसिपी है वो मेरे चैनल में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी ऐड कर रही हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें फॉर नोटिफिकेशन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मैं बहुत जल्दी आपको फिर से मिलने वाली हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। एंड टिल देन कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। So for now, bye-bye.